दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है शैतान की मौत। ये सेकंड पार्ट है। ये अमर अकबर सीरीज की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट है प्रलयंकारी शैतान। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। ये यहाँ पर जो स्टोरी दे रखी है इसके पहले पार्ट की है, तो पहले आप उसको पढ़ लेना। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में अमर अकबर का फोल्डर है उसके अंदर। तो यहाँ तक की स्टोरी हम पढ़ चुके हैं, तो इससे आगे हम पढ़ते हैं। अगले दिन कर्नल मारूल के यहाँ दावत थी, जिसमें शहर के बड़े बड़े लोग शामिल थे। मारूल ने अमर का परिचय शेख सुलेमान से कराया। शेख सुलेमान यहाँ की प्रसिद्ध हस्ती है मिस्टर अमर। खुशी हुई आपसे मिलकर शेख साहब, मुझे भी। अपेक्षा अनुसार शेख ने अमर को दावत दे डाली। मिस्टर अमर, आज रात ही मेरे यहाँ एक पार्टी है, आप भी तशरीफ लाइए, मैं आपको अपनी जन्नत की सैर कराऊंगा। मैं जरूर आऊंगा। शाम 4 बजे तक कर्नल मारूल के सारे मेहमान चले गए थे। तो आप शेख की पार्टी में जा रहे हैं ना? हाँ, मुझे भी वह संदिग्ध लग रहा है, इसलिए जरूर जाऊंगा। और रात को वह शेख सुलेमान की जन्नत में था। लगता मैं सचमुच ही जन्नत में आ गया हूँ। तारीफ के लिए शुक्रिया। शेख सुलेमान कुछ देर उनके साथ रहा, फिर बोला, आप बाइक की सैर कीजिए और जी भर के लुत्फ उठाइए। मैं जरा दूसरे मेहमानों को देखता हूँ, जरूर। फिर वह अकेला टहलता हुआ बाग के कोने में आया। शेख साहब ने बाग के कॉटेज में बना रखी है। अरे, यह कॉटेज तो लाल रंग की है और झोपड़े नुमा है। अगले प्लम्बर के मस्तिष्क में तुरंत वह कोड संदेश घूम गया। आखिरी मीटिंग, सरनी से पहले सुर्ख झोपड़ा, यहूदा का पेड़, स्वर्ग 19। बाय गॉड, संदेश में स्वर्ग का भी जिक्र है और जन्नत उर्दू में स्वर्ग को ही कहते हैं। मैं इस वक्त स्वर्ग में खड़ा हूँ, सामने सुर्ख झोपड़ा है, आज 19 तारीख है, और यहूदा का पेड़। उसने इधर उधर देखा, यह पेड़ कैसा है? अमर ने इशारे से एक सेविका को निकट बुलाया। खातून, उस पेड़ को क्या कहा जाता है? यहूदा का पेड़। अमर को अपने भीतर जोश की लहरें उठती महसूस हुई। अब किसी संदेह की गुंजाइश नहीं है। उस संदेश में इसी स्थान का जिक्र किया गया है। स्वर्ग, सुर्ख झोपड़ा, यहूदा का पेड़ और 19 तारीख, सब कुछ सामने है। सन्नी से पहले यानी सुबह होने से पहले यहाँ कोई मीटिंग होने जा रही है। वो गोड यानी कर्नल मारूर का संदेश ठीक था। शेख सुलेमान का शैतान से जरूर कोई संबंध है। और अमर ने शेख से कहा, आपकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया शेख साहब। शुक्रिया तो मुझे आपको कहना है, आपने यहाँ आकर मेरा मान बढ़ाया है। महल से कुछ दूर आने के बाद, जावेद गाड़ी वापस घुमाओ और बाग की पिछली ओर ले चलो। क्या बात है जनाब? अमर ने उसे संक्षेप में सारी सदी समझाई। जावेद ने गाड़ी बाग की 4 दीवार के निकट लाकर रोक दी। अब तुम मुझे सहारा देकर 4 दीवारी पर चढ़ा दो, मैं उधर कूद जाऊंगा और रात भर यहीं रहूंगा। तुम सीधे कर्नल मारूल और कैप्टन हार्डी के पास जाओ और उनसे कह देना कि अगर मैं सुबह 8 बजे तक वापस न पहुंचूं तो यहाँ रेड करके मुझे तलाश करे। ठीक है जनाब। फिर वह जावेद के कंधों पर पांव रखकर 4 दीवारी पर चढ़ गया। बाग में दूसरी ओर सन्नाटा था। लाइटें वगैरह बुझा दी गई है, यह मेरे लिए अच्छा है। पेड़ और क्यारियों की ओट लेते हुए वह सुर्ख कॉटेज की ओर बढ़ा। उस मीटिंग में क्या होगा यह जानना बहुत जरूरी है। क्या शैतान भी मीटिंग में आएगा? और फिर जैसे वह यहूदा के पेड़ के निकट पहुंचा, अपने हाथ ऊपर कर उठा लो मिस्टर अमर। ओ शैतान, मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम यहाँ वापस आओगे। पार्टी में तुम कॉटेज के आसपास घूम रहे थे, इसी से मुझे संदेह हुआ था। मैं तुम्हें कॉटेज के भीतर से देख रहा था, तो मेरा विचार ठीक था, यहाँ कोई मीटिंग होने वाली है। शट अप, चुपचाप महल की ओर चलो। मैं फंस गया हूँ। शैतान उसे कमरे में लेकर आया जो महल की तीसरी मंजिल पर था। उसने अमर की तलाशी लेकर उसका पिस्तौल पहले ही निकाल लिया था। तुम कई बार मेरे हाथ से बच चुके हो, लेकिन आज नहीं बचोगे। सबसे पहले तो तुम मुझे इंटरनेशनल सीक्रेट सर्विस के सारे कोड बताओ। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, और काल को कान खोल कर सुन लो, मैं तुम जैसे सुअर से बिल्कुल नहीं डरता हूं। इस जवाब से शैतान को क्रोध आ गया। मुझे सुअर कहता है? ठाक, आह, चोट सकते। अमर नीचे गिरकर बेहोश हो गया, और जब उसे होश आया तो वह कमरे में अकेला था। मुझे छोड़कर वह कहाँ चला गया?
वह उठकर दरवाजे की ओर गया। यह तो बाहर से बंद है। उसकी नजर एक खुली खिड़की पर पड़ी। पाइप के सहारे नीचे उतर सकता हूं, शायद शैतान इस खिड़की को बंद करना भूल गया। और वह खिड़की पर चढ़कर पाइप के सहारे नीचे उतरने लगा। पता नहीं यहां से सुरक्षित निकल पाऊंगा या नहीं। पाइप पर फिसलता हुआ वह दूसरी मंजिल की खिड़की के निकट पहुंचा और भीतर से आ रही कुछ आवाजें सुनकर वहीं रुक गया। मेरा ख्याल है उसे कत्ल कर दिया जाए। नहीं, अब मैं उसकी हत्या नहीं करना चाहता। वह यहाँ यूरेनियम लेने आया है। अगर वह मर गया तो हम यूरेनियम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। सुलेमान और शैतान बातें कर रहे हैं। शेख सुलेमान का सबर सुना दिया। तो फिर तुम क्या करना चाहते हो? मैंने माल लूटने की पूरी तैयारी कर ली है। जैसे उनका काफिला शहर के बारखंडरों के निकट पहुंचेगा, कबाइली उन पर हमला कर देंगे और माल लूट लेंगे। मैंने कबाइलों को तैयार कर रखा है। प्लान तो अच्छा है। उसके बाद दो कबूतर हाथ लग जाए तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। कबूतर भी हाथ लग जाएंगे। मैंने ट्रेन में बाजरा लदवा दिया है। वहीं बाजरा अपना काम दिखाएगा। बातचीत का यह हिस्सा मर के समझ में नहीं आया था और पाइप पलट के रहने के कारण उसके हाथ सुन्न से हो रहे थे, इसलिए वह जल्दी से नीचे उतर गया। फिर वह सुरक्षित कर्नल मारुल की घर पहुंच गया और उसे सारी बात विस्तार से बता दी। मुझे सुलेमान पर पहले संदेह था, लेकिन हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वह बहुत बड़ा आदमी है और हमारे पास उसके विरुद्ध कोई सबूत नहीं है। अभी सुलेमान या शैतान पर हाथ डालना ठीक भी नहीं है। पहले मैं यह जानना होगा कि आखिर वह करना क्या चाहता है। हाँ, उनकी साजिश का पता चलाना बहुत जरूरी है। तो आप कल माल लेकर जा रहे हैं? हाँ, मैं कल शाम यहाँ से माल लेकर निकलूंगा। तब तो अब तो मुझे पता चल ही गया कि वह काम ला करेंगे, इसलिए मैं पहले से ही तैयार रहूंगा। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि अब वह अपना प्लान बदल ले, क्योंकि आप उनकी कैद से भाग आए हैं। वह प्लान नहीं बदलेंगे, क्योंकि वह यह नहीं जानते कि मैंने उनकी बातें सुन ली है। उसे मुझे पूरी उम्मीद है वह खंडर के सामने हमला करेंगे। अमन ने जल्दी एक प्लान तैयार कर लिया और उसके तहत सुबह को वह अपने अकेले काफिले को लेकर वह उन खंडरों में जा पहुंचा। मैं कुछ समझा नहीं, हम इस वक्त खंडरों में क्या करने आए हैं? हमें यह अपना मोर्चा बनाना कैप्टन। सबके साथ यहाँ आने का मकसद केवल यह है कि अगर कोई हम पर नजर रखे हुए है तो वह यह समझे कि हम खंडरों में तफ्ती करने आए हैं। जबकि मेरी योजना यह है कि मैं 10-15 सिपाहियों के साथ इस सुरंग में छुप जाऊंगा। आप शेष सिपाहियों को साथ लेकर वापस चले जाइए। शाम को जब आपका काफिला माल लेकर यहाँ से गुजरेगा और दुश्मन काफिले पर हमला करेगा, तो हम यहाँ ऊपर से आपकी सहायता करेंगे। बहुत अच्छी योजना है। दुश्मन सोच भी नहीं सकेगा कि उसके पीछे भी हमारी मोर्चाबंदी है। फिर काफी देर तक अमर उन जनरल हार्डी को कुछ समझाता रहा। 2 घंटे तक सब खंडरों में घूमते रहे। इस बीच अमर ने दो दो करके 12 सिपाहियों को सुरंग में छुपने के लिए भेज दिया था। उन सबके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार और हथगोले थे और उन सबको सारी बातें समझाकर कैप्टन हार्डी से बोला अमर, अब आप शेष सिपाहियों को लेकर वापस चले जाइए। ओके। और हार्डी काफिले के साथ वापस चला गया। कुछ देर बाद अमर भी सिपाहियों के साथ सुरंग में था। हमारा काफिला यूरेनियम लेकर रात 11 बजे यहाँ पहुंचेगा। 9 बजे हम तैयार हो जाएंगे, तब तक हम लोग आराम कर सकते हैं। फिर 9 बजे वह सब सुरंग से बाहर निकले और अपना मोर्चा संभाल लिया। कुछ ही देर में सामने वाली सड़क पर कुछ रोशनी नजर आई। दुश्मन आ पहुंचे, यही लोग हमारा काफिला लूटने की कोशिश करेंगे। आने वाला काफिला पहाड़ी के नीचे पहुंचकर रुक गया। कुछ देर बाद कबाइली आग का लाव जलाकर उसके गिर्द बैठ गए। अपने ऊँटों को उन्होंने सड़क पर बैठा दिया था, तो उन्होंने अपनी मोर्चाबंदी कर लिया। ऊँटों को सड़क पर बिठाकर उन्होंने रास्ता बंद कर दिया है और शायद इन्हीं ऊँटों को ओट बनाकर वे हमारे काफिले पर हमला करेंगे। और ठीक 11 बजे सिराज की ओर से आने वाली सड़क पर काफिले की रोशनी नजर आई। कैप्टन हार्डी का काफिला आ पहुंचा है। काफिले को आता देखकर कबाइली उठे और अपने ऊँटों के पीछे पोजीशन लेकर बैठ गए।
और फिर काफिला जैसे निकट आया, कबाइलों ने फायरिंग आरंभ कर दी। काफिला वहीं रुक गया और उधर से भी जवाबी फायरिंग होने लगी। धुआं। अब अमर ने भी अपनी स्टैंडगन उठाई और चिल्लाया, फायर। उसके साथी सिपाही ने भी तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। टेट टेट धौं धौं। कबाइलों को यह समझ नहीं आया कि उनके पीछे से भी गोले की बौछार हो जाएगी, इसलिए वह धड़ाधड़ मरने लगे और वहां से भागने लगे। धौं धौं रेट टेट। केवल 10 मिनट की लड़ाई में सारे कबाइली मारे गए और अमर कैप्टन हार्डी को विजय का सिग्नल देने लगा। कैप्टन हार्डी का काफिला निकट पहुंच गया। अमर ने अपने साथियों के साथ नीचे उतर आया। बधाई हो कैप्टन, हमारी विजय हुई। इस विजय का सारा श्रेय आपको जाता मिस्टर अमर, आपने बहुत अच्छी प्लानिंग की थी। उसके बाद उनका काफिला आगे रवाना हो गया। रास्ते में जावेद ने अमर को सारिक की मौत की खबर सुनाई। कर्नल मारूर को सूचना मिली है कि अदनान में सारिक की हत्या कर दी गई है। मुझे यही डर था, अब मेरा उस संदे फकीर से मिलना बहुत जरूरी हो गया है जो अदनान में जामा मस्जिद के बाहर भीख मांगता है। क्या अदनान में आपका रुकना ठीक रहेगा, जबकि हमारे साथ यूरेनियम के बक्से हैं? शैतान दोबारा हमला करा सकता है। मेरा ख्याल है अब वह हमला नहीं करेंगे, उन्हें हमारी शक्ति का भली भांति अंदाजा हो चुका है। सुबह हम अदनान पहुंच जाएंगे और दिन के में हमले का कोई डर नहीं है। सुबह को काफिला अदनान शहर पहुंच गया और एक स्थान पर पड़ाव डाल दिया गया। मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ कैप्टन, 2 घंटे तक वापस आ जाऊंगा। ओके। जामा मस्जिद के चारों ओर दुकानें और बाजार था। सारिक ने बताया था कि अब्दुल्ला नामक वहनदार फकीर मस्जिद के बाहर ही खड़ा रहता है। मस्जिद के दरवाजे के बाहर कोई फकीर नहीं था। अमर ने एक राहगीर को रोका, भाई यहाँ का अंधा फकीर खड़ा रहता है, मुझे उससे मिला है। तुम्हें अंधे फकीर से क्या काम है? मैं उसे कुछ रकम देना चाहता हूँ। तो मस्जिद के पिछले दरवाजे पर चले जाओ, वह फकीर अपने ऊंट के साथ वहीं बैठा है। अमर घूमकर पिछले दरवाजे पर आया। वेरा, अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम, भाई कौन हो तुम? अमर ने उसे थोड़ा और निकट जाकर दबे स्वर में कहा, मेरा नाम अमर है, सारिक ने मुझे आपका पता बताया था और कहा था कि आपसे मिल लूं। अच्छा सा, लेकिन यहाँ बात करना ठीक नहीं है, तुम मेरे पीछे आ जाओ। और वह अपने ऊंट की रस्सी थाम कर एक और को चल दिया। फकीर मस्जिद से काफी दूर आकर रुका था, यह तो मुझे रेगिस्तान में ले आया। जब वह उसके निकट पहुंच गया, बेटा सारिक तो मारा जा चुका, लेकिन उसने मुझे कुछ बातें तुम्हें बताने के लिए कहा था, तो बताओ बाबा। वह ट्रेन जिसमें आई, वह शैतान का साथी, उसे पकड़ना होगा। वह टीले के पीछे पहुंचा, वो यह तो ऊंट पर बैठकर भाग रहा है। वह दौड़कर वापस आया और फकीर के ऊंट पर सवार हो गया। यह बेचारा तो मर चुका है, उसने कातिल का पीछा शुरू कर दिया। कमालन दे बाबा, का ऊंट तो बहुत तेज दौड़ता है। कुछ ही देर में वह कातिल के बराबर पहुंच गया। ए रुक जाओ, उसने उसकी बात का कोई नोटिस नहीं लिया। तो अमर ने दौड़ते हुए ऊंट पर से ही उस पर छलांग लगा दी। उफ। कुछ देर तक वह कातिल को नीचे दबाए पड़ा रहा, यह हिल क्यों नहीं रहा? उसने उठकर कातिल को हिलाया। ओ गॉड, यह तो मर गया, ऊपर से गिरकर मेरे नीचे दबने से इसकी गर्दन की हड्डी टूट गई है। वो मेरी तो सारी मेहनत ही बेकार हो गई। वह सफल अपने पड़ाव पर लौट आया। अब्दुल्ला की भी हत्या कर दी गई। जावेद, अब मैं जल्दी से जल्दी काहिरा पहुंचकर जनरल फारूक से मिलना चाहता हूँ, तो हम अभी रवाना हो जाते हैं। आप काफिले को कूच का आदेश दीजिए। अमर ने कैप्टन हार्डी को बुलाकर कूच का आदेश दे दिया। अगले दिन शाम को जब उनका काफिला पहुंच गया, तो अमर ने परिष्ट होते हुए कैप्टन हार्डी से बोला, सॉरी यहाँ पे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। ओके मिस्टर अमर, आपकी ड्यूटी अब समाप्त हुई, आप जाकर आराम कीजिए और मैं माल के बक्से अब सुरक्षित स्थान पर ले जाता हूँ। ओके कैप्टन, आपके साथ रहकर काफी आनंद आया, गुड बाय। काफिले से विदा लेकर से अमर सीधा जनरल फारूक से मिलने पहुंचा। वेल डन माई बॉय, मुझे यहाँ यही उम्मीद थी कि
कि तुम सफल होकर लौटोगे, इसलिए मैंने तुम्हें भारत से बुलाया था। थैंक यू सर। अमर ने उन्हें विस्तार से सारी घटनाएं सुनाने के बाद कहा, मुझे सारिक और अंधे फकीर की मौत का बहुत दुख है। दुख तो मुझे भी, लेकिन यह समय दुख में डूबने का नहीं है। अभी हमारे सामने एक और बड़ा मिशन है। वह क्या सर? तुम्हें उस कोड संदेश का दूसरा हिस्सा याद है जिसका पहला हिस्सा तुम हल कर चुके हो? जी हाँ, वह कुछ इस तरह था। चार कबूतर मिस्र में, दो उड़ गए, दो रह गए। तो मुझे उस दूसरे हिस्से का मतलब पता चल गया है। यह उन चार वैज्ञानिकों की ओर संकेत है जिनमें से दो का अपहरण हो चुका है, यानी दो कबूतर उड़ चुके हैं और जो दो रह गए हैं वह परसों ट्रेन द्वारा काहिरा पहुंच रहे हैं। ट्रेन, वो गो ट्रेन का जिक्र तो संदेह फकीर ने भी किया था, लेकिन यह बात पूरी नहीं कर सका था। और शेख सुलेमान के यहाँ से फरार होते समय मैंने शैतान को भी किसी ट्रेन की बात करते सुना था। इसका मतलब यह होगा कि शैतान उन दोनों वैज्ञानिकों का भी अपहरण करना चाहता है, और वह जिस ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं वह उसे खतरा है। वह ट्रेन कहाँ से आ रही है और काहिरा कब पहुंचेगी? कहाँ से आ रही है यह बात महत्वपूर्ण नहीं है, बस यह समझ लो कि ट्रेन को परसों काहिरा पहुंचना है, और ट्रेन के रास्ते में 6 स्थान ऐसे जहां खतरा पेश आ सकता है। आओ मैं तुम्हें नक्शे पर समझाता हूँ। चलिए, यह देखो, यह शाहबाद का स्टेशन है। यह एक छोटा सा कस्बा है, पहाड़ी इलाके में आबाद है। मेरा ख्याल है ट्रेन को सबसे अधिक खतरा इसी स्टेशन पर हो सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में खूंखार कबाइली रहते हैं। शैतान उनकी मदद से ट्रेन पर हमला कर सकता है। यह खतरनाक पॉइंट है, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें भेजना चाहता हूँ। ओके, मैं यहाँ चला जाऊंगा, लेकिन 6-5 स्थानों पर आपने क्या प्रबंध किए हैं? हर स्टेशन पर फौज का एक दस्ता तैनात रहेगा, ट्रेन में भी सुरक्षा का पूरा प्रबंध रहेगा, मैं खुद भी ट्रेन के साथ चलूंगा। ओके सर, तो फिर मैं कल सुबह ही शाहबाद चला जाता हूँ और वहां का सुरक्षा प्रबंध अपने हाथों में ले लेता हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ। तुम्हारे लिए मैंने कुछ स्पेशल हथियार तैयार कराए हैं जो शैतान से मुकाबला करने में काम आएंगे, तुम उन्हें अपने साथ लेते जाओ। उधर शैतान भी एक योजना तैयार करने में लगा हुआ था। अब तो हद हो गई है, अमर का जीवित रहना हमारी मौत है। आज रात उसे किसी भी तरह खत्म कर डालो, क्योंकि कल हमें अपना नया मिशन शुरू करना है। आप चिंता न कीजिए, आज की रात अमर की आखिरी रात होगी, उससे कुत्ते की मौत मारा जाएगा। उसी शक्ति का अंदाजा कम न लगाना दोस्त। वह कम वक्त जिस तरह से यूरेनियम बचाकर लाया है, उससे लगता है कि वह इंसान नहीं भूत है। उस भूत का मुकाबला करने के लिए मैंने एक देव की ड्यूटी लगाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। तुरंत ही कमरे का दरवाजा खुला और एक दत्त भीतर प्रविष्ट हुआ। गुड, लेकिन यह अमर पर हमला कहाँ करेगा? अमर इस वक्त कहाँ है? वह इस वक्त जनरल फारूक के पास बैठा है। पहला हमला उस पर वहीं किया जाएगा, और अगर वह बच गया तो उससे निपटने के लिए लोबो उसके होटल के कमरे में मौजूद होगा। उधर अमर इंटरनेशनल सीक्रेट सर्विस के मुख्यालय से बाहर निकला। ऐसा लगता जैसे मैं फिर कुछ भूल रहा हूँ। मैंने ऐसी बात जो मैंने कही सुनी है, लेकिन इस वक्त याद नहीं आ रही है। आइए सर। तभी उनके उसकी नजर गुजरती हुई एक कार पर पड़ी। जावेद बचो! लेकिन जावेद को बचने का समय नहीं मिल सका। डेट इट आई! हमलावरों की कार देखते देखते दूर जाकर गायब हो गई थी। जावेद, मेरे दोस्त, यह क्या हो गया? जावेद की मृत्यु हो चुकी थी। वहां राहगीरों की भीड़ एकत्रित हो गई। जनरल फारूक भी अपने ऑफिस से निकल आए। जावेद मर गया सर, शैतान के आदमियों ने उसकी भी जान ले ली। धैर्य रखो अमर, जावेद मरा नहीं, शहीद हुआ है, और हम शैतान से इसकी मौत का बदला जरूर लेंगे। वैसे मेरा विश्वास है कि यह हमला तुम्हारी जान लेने के लिए किया गया था। जनरल ने स्थानीय पुलिस को बुलाकर जावेद की लाश उनके हवाले कर दी, और अमर को एक और ले जाकर बोले, तुम अपने होटल में न जाओ, शैतान दोबारा हमला कर सकता है। मैं कायर नहीं हूं सर, उस शैतान के बच्चे से मैं बिल्कुल नहीं डरता। आधी रात के समय वह वापस अपने होटल पहुंचा। जावेद बहुत अच्छा साथी था, मैं उसे कभी भुला नहीं सकूंगा। भीतर आकर उसने दरवाजा बंद किया और जैसे घुमा, भुशुम! आह! अमर ने तुरंत उठकर जवाबी घुसा मारा। इस पर तो असर ही नहीं हुआ। ढुम आहा! उसने लगातार कई घुसे मारे। हा, ढुम ढुम! यह तो पूरा देव है। फिर लोगों ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे खिलौने की तरह उछाल दिया। उफ!
दीवार से टकराकर उसकी सारी हड्डियां कड़कड़ा गई थी। यह समय पीड़ा महसूस करने का नहीं है, उठकर इसका मुकाबला करना होगा। और फिर वह स्प्रिंग लगे खिलौने की तरह उछला, ठोक। इस पर तो किसी चोट का प्रभाव ही नहीं होता, अब क्या करूं, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर लोबो ने खोल वाला हाथ आगे किया। इस दत्ता के सामने शक्ति से काम नहीं चलेगा, अकल से काम लेना होगा। और वह उस दीवार की ओर पीछे हटने लगा जहां बिजली का स्विच बोर्ड लगा हुआ था। उसकी पीठ जैसे दीवार से लगी, लोबो ने हमला शुरू कर दिया, लेकिन अमर नीचे झुककर वार बचा गया, धड़ाक। और फिर वहीं वहां जो अमर चाहता था, बोर्ड में करंट था। आई कुछ ही क्षण में उस दत्ते को बिजली के करंट ने समाप्त कर डाला था। जनरल फारूक को फोन करके इसकी लाश उठवाने को कह दूं। कुछ ही देर में जनरल फारूक पुलिस दल के साथ पहुंचे। होटल के मैनेजर और दूसरे कर्मचारियों से पूछताछ चल रही है कि यह तुम्हारे बंद कमरे में कैसे पहुंचा। मेरा ख्याल है तुम आज रात मेरे घर चलो, सुबह वहीं से शाहबाद चले जाना। ओके। और अमर के जाने के बाद, हेलो कैप्टन जमाल, हेलो मिस्टर अमर, जनरल फारूक के आदेशानुसार अब हमारी कमांड आपके हाथों में है। कमांड की बात छोड़िए, हम मिलकर काम करेंगे। ट्रेन को यहाँ रुककर अगले स्टेशन पर करमान शाह जाना है, यानी हमारी ड्यूटी ट्रेन के करमान शाह तक पहुंचने की है। इसलिए मैं यहाँ से करमान शाह तक का एक चक्कर लगाकर देखना चाहता हूँ। तो आइए हम जीप में करमान शाह तक चलते हैं। और वह फौजी जीप में करमान शाह स्टेशन की ओर चल दिए। करमान शाह पर फौजी टुकड़ी मौजूद है ना? जी हाँ, वहां के इंचार्ज कैप्टन दाऊद है। करमान साहब एक छोटा सा स्टेशन था, यहाँ कैप्टन दाऊद ने अमर का स्वागत किया। हम हर तरह के खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं मिस्टर अमर, अगर आप शाहबाद से ट्रेन को सुरक्षित रवाना कर देते हैं तो समझ लीजिए कि यहाँ से भी वह सुरक्षित ही आगे आई जाएगी। और यहाँ से आगे जाने के बाद ट्रेन को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि फिर बड़े स्टेशन शुरू हो जाते हैं। लेकिन मुझे बताया गया था कि करमान साहब के बाद ट्रेन को किसी नदी के पुल से गुजरना है। हाँ, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे एक नदी है जिस पर वह पुल बना हुआ है, ट्रेन को वह पुल पार करना है। उस पुल को चेक कर लिया गया है? जी हाँ, और पुल पर भी फौज का पहरा है। कुछ देर वहां का प्रबंध देखने के बाद अमर कैप्टन जमाल के साथ स्टेशन से बाहर आ गया। मैं एक नजर वह पुल भी देखना चाहता हूँ कैप्टन। ओके, हम वहीं चलते हैं। पुल काफी लंबा था, पुल के आसपास सख्त पहरा रहेगा और नीचे नदी में भी किश्तियों में सिपाही होंगे। गुड, प्रबंध तो काफी संतोषजनक है। संतुष्ट होकर वह वापस शाहबाद की ओर चल दिए। कैप्टन जमाल, मुझे लगता है कि ट्रेन के लिए शाहबाद से अधिक खतरा करमान शाह स्टेशन पर है। वह क्यों सर? फिलहाल तो आपके इस क्यों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन मेरा अनुभव और मेरी छठी इंद्री दोनों यह कहती है कि करमान शाह स्टेशन ज्यादा खतरनाक पॉइंट है। कैप्टन दाऊद भी बहुत अनुभवी फौजी है सर, आप उन पर भरोसा रखिए। अमर ने शाहबाद के स्टेशन मास्टर से भी भेंट की। उस ट्रेन के यहाँ पहुंचने का बिल्कुल राइट टाइम क्या है? सुबह 3:30 बजे ट्रेन यहाँ पहुंचेगी, लेकिन ट्रेन लेट भी तो हो सकती है। ट्रेन लेट नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए सारे ट्रैक खाली रखे जाएंगे। रेलवे स्टाफ को विशेष आदेश है कि इस ट्रेन के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। एक बज चुका था, अमर प्लेटफार्म पर टहल रहा था। देखने में तो सारे प्रबंध संतोषजनक है, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। मेरा मन कह रहा है कि कोई घटना जरूर घटेगी, कहीं कोई खतरा जरूर है। और फिर अचानक उसने एक फैसला किया और कैप्टन जमाल को बुलाकर कहा, कैप्टन ट्रेन आने में भी 2.5 घंटे शेष है। मैंने फैसला किया कि यहाँ का प्रबंध आप संभाल ले, मैं करमान शाह स्टेशन जा रहा हूँ। लेकिन क्यों, करमान शाह पर तो कैप्टन दाऊद मौजूद है। मैं जानता हूं, लेकिन मेरा मन कहता कि मुझे यहाँ नहीं करमान शाह पर रहना चाहिए। यहाँ का प्रबंध अब आपको संभालना, ट्रेन 3:30 बजे यहाँ पहुंचेगी और 10 मिनट रुककर करमान शाह के लिए चल देगी। ट्रेन के यहाँ से रवाना होने तक आज सारे प्रबंध आपको देखने हैं। ओके, मुझे तो आपके आदेशों का पालन करना है, आप जो उचित समझे कीजिए। अमर उसी वक्त कैप्टन की जीप लेकर करमान शाह स्टेशन की ओर चल दिया था। एक बात अभी तक मेरे मस्तिष्क में खटक रही है, लेकिन याद नहीं आ रही। 2:30 बजे उसने अपनी जीप करमान शाह स्टेशन के बाहर रोकी।
स्टेशन के भीतर पहुंचा तो कैप्टन दाऊद उसे देखकर हैरान रह गया। मिस्टर अमर, आप यहाँ? आपको तो शाहबाद पर होना चाहिए था। मैंने फैसला किया कि मैं यहीं रहूंगा, यह स्थान मुझे शाहबाद से अधिक खतरनाक लगा है। तो फिर मैं आपके आने की सूचना मेजर जिब्रान को देकर आता हूँ। जनरल फारूक ने फौज का एक दस्ता और भेज दिया है जिसके इंचार्ज मेजर जिब्रान है, तो उन्हें बता दीजिए और मैं उनसे मिलना भी चाहूंगा। कैप्टन दाऊद चला गया। अमर ने प्लेटफार्म का एक चक्कर लगाया। सब कुछ ठीक है, पहरेदार भी तैयार है। कुछ ही देर में कैप्टन दाऊद वापस आया। मेजर जिब्रान स्टेशन मास्टर के कमरे में है, आपको उन्होंने वहीं बुलाया है। चलिए। कैप्टन दाऊद के आगे चलते हुए वह स्टेशन मास्टर के कमरे में प्रविष्ट हुआ तो हैरान रह गया। आइए मिस्टर अमर द ग्रेट, तुम? अमर ने घूमकर कैप्टन दाऊद की ओर देखा। कैप्टन, या तो तुम इस व्यक्ति को पहचानते नहीं या फिर तुम इस शैतान से मिले हुए हो। तुम्हारी दूसरी बात ठीक है अमर, कैप्टन दाऊद हमारा आदमी है, यानी अब यह हमारे लिए काम कर रहे हैं। अमर फिर शैतान की ओर घूमा तो वह बोला, आराम से बैठ जाओ अमर, अभी हमारे पास काफी समय है, कुछ बातें करते हैं। कैप्टन दाऊद दरवाजा बंद कर दीजिए। किंतु अमर नहीं बैठा। इन दोनों के पास पिस्तौल है, मुकाबला भी नहीं कर सकता। अगर कैप्टन दाऊद गद्दार है तो हो सकता है बाहर जो फौजी है वह भी इन्हीं के आदमी हो। मेरा शक ठीक निकला, ट्रेन को यही सबसे अधिक खतरा है। कैप्टन दाऊद, मिस्टर अमर काफी खतरनाक आदमी है, इनके हाथ में हथकड़ी डाल दो और इनकी जेबों से सारा सामान निकाल कर मुझे दे दो। ओके। दाऊद ने उसे हथकड़ी पहना दी और उसकी जेब से पिस्तौल और दूसरा सामान निकालकर मेज पर रख दिया। पिस्तौल, सिगरेट का पैकेट, सिगरेट होल्डर और लाइटर। शैतान ने अमर की जेब से निकले सामान को देखा। केवल एक पिस्तौल लेकिन लेकर तुम मेरा मुकाबला करने निकले थे? हा। कैप्टन दाऊद, तुम बाहर जा सकते हो, मैं जरा अमर से कुछ बातें करूंगा। यस सर। अब ट्रेन और वैज्ञानिकों का भगवान ही मालिक है। कैप्टन दाऊद बाहर चला गया था। अमर, बाहर तुमने जितने भी फौजी देखे हैं वह सब वास्तव में फौजी नहीं बल्कि मेरे आदमी है। मैं कैप्टन दाऊद ने मेरे आदेश पर अपने सारे असली फौजियों को गोलियों से भूनकर उनकी लाशें खड्ड में फेंक दी है और मेरे आदमियों ने उन फौजियों की जगह ले ली है। इसलिए अब तुम यहाँ यह मत समझना कि तुम यहाँ से किसी तरह बचकर जा सकते हो। मैंने अपनी हार मान ली मिस्टर शैतान, लेकिन मैं यह जरूर जानना चाहूंगा कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तुम वैज्ञानिकों का अपहरण करके उनसे क्या काम लेना चाहते हो? तुम्हारी यह जिज्ञासा मैं अवश्य दूर करूंगा, क्योंकि अब तुम जीवित तो बचोगे नहीं। सबसे पहले मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि ट्रेन से आने वाले उन दोनों वैज्ञानिकों को कैसे उड़ाया जाएगा। वह दोनों वैज्ञानिक जो इस ट्रेन से आ रहे हैं इस स्टेशन पर उतार लिए जाएंगे। यहाँ से करीब ही मेरा हेलीकॉप्टर खड़ा है, उसमें बिठाकर वैज्ञानिकों को सिराज भेज दिया जाएगा, जहाँ शेख सुलेमान के महल में दूसरे दो वैज्ञानिक कैद हैं। यानी शेख सुलेमान और तुम मिलकर यह शैतानी कार्य कर रहे हो। हाँ, हम दोनों पार्टनर हैं। हमारे मिशन में शेख सुलेमान का धन और मेरा दिमाग काम कर रहा है। हम एक बहुत बड़ा एटम बम बनाना चाहते हैं जो इस पूरी दुनिया को तबाह कर सके। वह चारों वैज्ञानिक हमारे लिए वह बम बनाएंगे और जब बम बन जाएगा तो हम पूरी दुनिया की हुकूमतों को उस बम के बल पर ब्लैकमेल करेंगे। हम पूरी दुनिया की एक सरकार बनाएंगे और उस सरकार की बागडोर मेरे और शेख के हाथों में होगी। इस तरह का बेहुदा सपना तुमसे पहले भी कई अपराधी देख चुके हैं मिस्टर शैतान, लेकिन आज तक किसी का भी सपना साकार नहीं हुआ और सब कुत्ते की मौत मारे गए। लेकिन हमारा सपना जरूर साकार होगा। कुत्ते की मौत हम नहीं बल्कि तुम मरोगे अमर। तभी अचानक अमर को वह बात याद आ गई जो वह भूला हुआ था और जिसके लिए उसका मस्तिष्क परेशान था। मिस्टर शैतान, मुझे याद आ गया कि जब मैं शेख सुलेमान के महल से फरार हो रहा था तो मैंने तुम दोनों की बातें करते सुना था। उस वक्त तुम सुलेमान से कह रहे थे कबूतर भी हाथ लग जाएंगे। मैंने ट्रेन में बाजरा लदवा दिया है, वहीं बाजरा अपना काम दिखाएगा। यह तो मैं समझ गया हूँ कि कबूतर तुमने दोनों वैज्ञानिकों को कहा था, लेकिन बाजरा क्या चीज है और किस ट्रेन में लदा हुआ है? बाजरे की कुछ बोरियां इस वक्त उसी स्पेशल ट्रेन में लदी हुई है और उन बोरियों में बाजरे के बीच टाइम बम छुपे हुए हैं।
जब ट्रेन यहाँ पहुंचेगी तो कैप्टन दाऊद दोनों वैज्ञानिकों को यह कहकर उतार लेगा कि आगे खतरा है। ट्रेन आगे चली जाएगी और जब नदी के पुल पर पहुंचेगी तो बाजरे में छुपे हुए बम फट जाएंगे। पूरी ट्रेन पुल के साथ उठ जाएगी और यहीं समझ आ जाएगा कि वैज्ञानिक भी उस दुर्घटना में मारे गए। अमर ने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा, 3:30 बजे गए हैं। ट्रेन शाहबाद पहुंच चुकी होगी और 10 मिनट बाद वहां से चल देगी। 1 घंटे में वह यहाँ पहुंचेगी, यानी मेरे पास केवल 70 मिनट का समय है। अगर ट्रेन को बचाना है तो इन 70 मिनट में कुछ करना होगा। क्या सोच रहे हो मिस्टर जासूस? कुछ नहीं, मैं एक सिगरेट पीना चाहता हूँ। प्लीज मेरा सिगरेट को का पैकेट और होल्डर। हाँ जरूर पियो, वैसे भी यह तुम्हारी अंतिम सिगरेट होगी। और शैतान ने सिगरेट का पैकेट उठाकर उसकी ओर उछाला। तत्पश्चात, प्लीज मेरा सिगरेट होल्डर भी। श्वेता ने सीट होल्डर भी दे दिया। फिर अमर उसे हाथ में दबा लिया और बोला, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ मिस्टर शैतान। इस सिगरेट होल्डर में सुई के बराबर दो छोटे तीर मौजूद हैं, जिसकी नोक पर बहुत घातक जहर लगा है। मैं इधर फूंक मारूंगा और उधर तीर निकलकर तुम्हारे शरीर में जा घुसेगा। तुम 1 सेकेंड में मर जाओगे। तुम्हें पता ही होगा कि अफ्रीका और अमेजन घाटी के कबायली इस तरह के जहरीले तीर बांस की नलकियों द्वारा फेंकते हैं। मैंने भी ऐसे तीर फेंकने की ट्रेनिंग ली हुई है। ठीक उसी वक्त दरवाजा खुला। कैप्टन जरा पकड़ो इसे। इधर कैप्टन ने पिस्तौल निकालने के लिए हाथ बढ़ाया और उधर अमर ने उसकी ओर घूमकर फूंक मारी। आई। कैप्टन दाऊद नीचे गिरने से पहले ही मर चुका था। अमर ने फुर्ती से घूमकर शैतान की ओर तीर छोड़ा। उफ। अब कमरे में शैतान और कैप्टन दाऊद मर्द पड़े थे। अमर ने उठकर कैप्टन दाऊद की जेब से हथकड़ी की कुंजी निकाल ली। मेरा दरवाजे से बाहर जाना खतरनाक होगा। मैं इस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके खिड़की के रास्ते स्टेशन से बाहर निकल जाऊंगा और बाहर मौजूद शैतान के साथी यह समझते रहेंगे कि मैं उनके बॉस के साथ कमरे में हूं। थोड़ी कठिनाई के बाद उसने हथकड़ी खोल डाली और पहले उठकर कमरे का दरवाजा बंद करके चिटकनी चढ़ा दी। फिर मेज से अपना पिस्तौल और दूसरा सामान उठाकर जेब में रखने के बाद कमरे की पिछली खिड़की खोली। बस किसी तरह अपनी जीप तक सुरक्षित पहुंच जाऊं। खिड़की के रास्ते वह इमारत से बाहर आ गया और फिर अपनी जीप तक सुरक्षित पहुंच गया। थैंक गॉड, अब ट्रेन को रास्ते में ही रोकना होगा। जीप तेरव गति से रेलवे लाइन के साथ दौड़ रही थी। ट्रेन को शाहबाद से चले आधा घंटा हो चुका है। स्टेशन से 15 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचते ही ट्रेन आ रही है और वह जेब से पिस्तौल निकालकर रेलवे ट्रैक पर पहुंचा। मेरे इस पिस्तौल में खतरे का सिग्नल देने वाला एक कारतूस भी मौजूद है। अगले पल उसने फायर किया। पिस्तौल की नाल से एक शोला निकलकर आकाश की ओर गया, काफी ऊंचाई पर आकर फट गया और कुछ क्षण के लिए वह क्षेत्र सुर्ख रोशनी में चमक उठा। यह ट्रेन के लिए खतरे का सिग्नल था। तुरंत ही आगे बढ़ती हुई ट्रेन की गति धीमी पड़ गई और अमर के निकट आते आते ट्रेन रुक गई। तुरंत ही ट्रेन के हरेक डिब्बे से सर्च लाइट चमकने लगी और फौजियों की राइफल्स झांकने लगी। अमर दोनों हाथ उठाकर ट्रेन की ओर बढ़ा। गोली न चलाना, मैं अमर खन्ना हूं, आगे खतरा है। तभी एक डिब्बे से जनरल फारूक ने बाहर झांका। वो अमर, माई बॉय, क्या बात है, आओ अंदर आ जाओ, आगे बहुत खतरा है सर। फिर अमर ने कंपार्टमेंट में पहुंचकर जनरल को सारी बात बता दी। जनरल फारूक ने सारी बातें सुनकर कहा, अमर इस वक्त तुमने हम सबकी जान बचाई है। इस ट्रेन में सचमुच बाजरे की कुछ बोरियां लदी हुई हैं, तो उन बोरियों को यहीं उतार दिया जाए और उनमें छुपे हुए बम बेकार कर दिए जाएं। ट्रेन में मिलिट्री के एक्सपर्ट मौजूद थे, उन्होंने बम वाली बोरियों को संभाल लिया। फिर ट्रेन करमानसा स्टेशन की ओर चल पड़ी। ट्रेन जैसे करमानसा स्टेशन में प्रविष्ट हुई, उसकी खिड़कियों से प्लेटफार्म पर मौजूद शैतान के साथियों पर फायरिंग होने लगी। शैतान के साथियों को इस फायरिंग की कतई उम्मीद नहीं थी, इसलिए मुकाबला करने की बजाय उनमें भगदड़ मच गई। कुछ ही देर में उनमें से बहुत से मारे गए और शेष गिरफ्तार कर लिए गए। अमर जनरल फारूक को लेकर स्टेशन मास्टर के कमरे में लेकर आया। इस शैतान को मारकर तुमने पूरी मानवता पर उपकार किया अमर,
मुझे खुशी है कि हमें इस बदमाश से मुक्ति मिल गई है। अब कोई खतरा बाकी नहीं है। मैं अभी संदेश भेजकर सिराज में शेख सुलेमान के महल पर रेड करवाता हूँ। वहां आपको प्रण किए हुए दोनों वैज्ञानिक भी मिल जाएंगे सर। अगली सुबह तक सिराज में शेख सुलेमान को गिरफ्तार कर लिया गया। महल के तहखाने से दोनों वैज्ञानिक भी मिल गए थे। जनरल ने एक बार फिर अमर को धन्यवाद दिया। अमर, इस पूरे मिशन की सफलता तुम्हारी बहादुरी और अकलमंदी का नतीजा है। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंटरनेशनल सीक्रेट सर्विस को जब भी जरूरत होगी तुम उसके लिए काम करोगे। जरूर करूंगा सर, लेकिन फिलहाल तो मैं जाकर सोना चाहता हूँ क्योंकि बहुत थक चुका हूँ और मैं भी थक चुका हूँ। तो दोस्तों, एक कमिश यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको कमिश अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगली कमिश में।